अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ मैं बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रही हूँ, चाय मैं इन लोगों को अंदर दे आई हूँ। अंदर खूब अच्छी तरह से शोर हो रहा है, कभी कोई नाश्ता नहीं कर रहा। और यहाँ मैंने आलू बैट के उसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया और अब हमारे फ्राइज़ मज़ेदार से तैयार हो रहे हैं। क्या मसला है भाई, मानो उठो नाश्ता करो, मानो उठो मेरी बेटी, नाश्ता करो जल्दी कर। हसन भी कह रहा है कि जल्दी नाश्ता करो ताकि चले हम लोग स्कूल। ये लो सोने, ओ सोने शिजादे, आ जाओ मानो, पानी की बोतल बाहर ही है अभी। ये लो, ये रहा मेरे पास। आप ले जाओ भैया की भी, बाइक पर भी रख रही है। कहाँ है? नहीं, बुक लेते हुए आना, बुक लगाएंगे चुई के लिए। अल्लाह हाफिज़। अरे मेरा सोनू सबसे पहले बाय बाय कर रहा है, बाय बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। सबसे खतरनाक बाय शाम का। ये ब्लैक वाली दिखाओ और ग्रे वाली। टी-शर्ट वगैरह दिखाओ इसके ऊपर। नहीं नहीं, ये खोलो ग्रे वाली। और ब्लैक कलर की मैं बात कर रहा हूँ, कलर की बात है। 125 में रेड कलर की सबसे ज्यादा डिमांड है। रेड बोल रहा हूँ, ये वाली इसको बहुत सारा। इसके प्राइस क्या है? सेम वही तो कह रहा हूँ, हमने प्रॉफिट कम किया लेकिन कस्टमर को चीज़ अच्छी दे रहे हैं। सेम हमारे पास ही आता है कस्टमर। एक ये कलर है तो इसमें जो ज़बरदस्त आई हुई है ना, ये लाइनिंग बहुत चलती है। सेम क्वालिटी, सेम ये हो गई। ये कॉलर और बगैर कॉलर के दोनों के सेम प्राइस हैं, सेम ही रखे हैं। कस्टमर डिस्टर्ब ना, ये डिफरेंट है, पट्टे वाली है। एक ही येलो में कर दें, मुझे तो ये वाली भी येलो में अच्छी लग रही। ये वाली एक, ये वाली देना एक, इसमें कलर दूसरा कर लेना, ऑरेंज बहुत प्यारा। नहीं नहीं, ये जो नीचे वाली है ना टी शर्ट। अच्छा ये वाली जी, सही। इसका कुछ रेड या वो कर दे, मस्टर्ड ये कर दे कॉपर। इसके अलावा कोई कलर नहीं है एनवाईसी में? ये रेड रेड दिखा वो, इसका इसका येलो कर दे। मगर वही वाला मुझे येलो ही अच्छा लग रहा है ज्यादा, वो शाइनिंग। रेड भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है।
येलो अच्छा लग रहा है, येलो ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना इसका। इसमें तो बहुत सारे कलर आए ना, कॉलर में ब्लू चाहिए, एक ये कर दें मैं उठते ही गोलमार चली गई थी क्योंकि कुछ सामान वगैरह लेना था, लैसे लेनी थी, और अब मैं जब वापस आई हूँ तो नईम खान ये फ्रिज खोल के बैठे हैं और फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा। जब मैं जा रही थी तभी मुझे नईम ने बताया था कि फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, तो आई हूँ तो इन्होंने चेक किया। अब देखो फ्रिज वाला आएगा तो फिर वो सही करेगा। देखो क्या हुआ है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा और कूलिंग नीचे नहीं हो रही, तो अब अल्लाह जाने क्या मसला हुआ है, अल्लाह करे कोई ज़्यादा बड़ा मसला ना हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह बुरका मैं पहनूं क्या? बुरका पहनूं? डांट के क्यों बोलते हो उसको, वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा फिर? तो इसकी आरती उतारू? ओ नो बिलो पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा कुत्ता है, ओ बिलो डोगी छोटा। अब अगर तेरा थूसड़िया निकल नहीं तंग करो भाई, मेरे शहजादे को तंग नहीं करो। शहजादे ने जो हमारे को तंग करा वो अच्छा अच्छा नहीं तुम्हें तो शर्म नहीं आ रही बच्चे को रुलाते हुए? मेरा पुत्र है ना, मेरा बेटा है ना, उंगली संभाल अपनी। अरे अल्लाह अच्छा, हम पिटाई लगाएंगे पापा की, पापा गंदे फिर भी पापा के पीछे रोते हो। हाँ मेरा पुत्र है ना, जीना हराम करके रखा हुआ है। नहीं अच्छा नहीं करो ना, नहीं अच्छा। तंग करो ना उसको, वापिस करा के ना दूसरा लेके आओ। तो मेरा पुत्र है, तू कोई नहीं वापिस करा रहा, बस कैसे आंसुओं के साथ उसको रुलाया? नहीं जीना आराम भी तो किया हुआ है। देख रहे कि अब कुछ बोलेगा या नहीं है। हसन पापा ने डांटा है? हाँ जिन सोता भी नहीं है। अच्छा, दराज में मन करूं तेरे को, ज्यादा ठूस ठूस नहीं। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा, बस करो ना, कितना रुला रहे उसको। पापा जा मीनू करो, मीनू करो, मीनू करनी है, मीनू करनी है, मीनू करनी है। ये ठूस ठूस तो समझ में मेरे को नहीं आती है। नहीं तंग करो, नहीं कितना रुलाया तुमने इसे। बाय आओ अंदर चले आओ। हसन बच्चे आ गए मदरसे से और हसन सो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बिल्कुल सांप सूंघ गया है। और यहाँ मानो कह रही है मैं खाली चावल खाऊंगी और अजान कह रहा है मुझे दाल डाल के दो, ये लो अजान इसी में खा लो। अभी मैं सारे बर्तन धोए और अभी सारी सफाई भी मैंने कर ली, घर में इतना गंद हो जाता है यार मैं क्या करूँ। और बर्तन देखो माशाल्लाह, बर्तनों में तो ऐसी बरकत है अल्लाह माफ़ करे, जो कम ही नहीं होते कभी भी।
और यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के फ्रिज भी चल गया। फ्रिज के बस कुछ फ्यूज़ वगैरह उड़े हैं, वो भी डायरेक्ट करके गया है और कह रहा है कि मैं कल सुबह में आके ना इसका सामान जो भी है वो डाल दूँगा। और शुक्र है कि फ्रिज हमारा ठीक था, कुछ भी नहीं हुआ था इसको, बस इसका एक छोटे से फ्यूज़ है, 500-600 रुपये का ख़र्चा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मेरा एक ख़र्चा और निकल आया है। अभी वॉशिंग मशीन ली है और ओवन लिया है, अब यह मज़ीद एक ख़र्चा और, तो मैं बड़ी टेंशन में थी, बड़ी दुआएं कर रही थी, तो अल्लाह पाक ने लगता मेरी दुआ सुन ली और अब यह है कि काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। और यहाँ बच्चे मानो लेट के क्यों खा रही हो, बैठ के खाओ, बैठो बैठ के खाओ, शाबाश, और शोर नहीं करना बिल्कुल भी, इंसान उठ जाएगा वरना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आज हमारी दाल हो गई सारी ख़राब, और क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब हुआ हुआ था, चल नहीं रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह के फ्रिज ठीक तो ठीक हो गया, मगर दाल हो गई ख़राब। और यहाँ मैंने दूध चीनी चावल खा रही हूँ और मुझे बड़ा नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और ये मेरा टटैना अभी तक मेरे साथ जाग रहा है और यहाँ ये दोनों सो चुके हैं और अब बस मैं भी खाना वगैरह खाऊं, नईम का इंतज़ार कर रही हूँ, अगर नईम आ गए तो ठीक है वरना फिर हम लोग भी सोएंगे। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।